हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पेपर का बॉल बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें फेविकॉल लगेगा, क्राफ्ट पेपर, कैंची, कार्डशीट पेपर, स्केल, कंपास। एंड यहाँ पे मैंने कार्डशीट पेपर के ऊपर 2 सेंटीमीटर की मार्किंग किए हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली स्टेप क्या है कि हम पहले सारे क्राफ्ट पेपर को फेविकॉल लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने क्राफ्ट पेपर लिया और ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, रेड लाइन के ऊपर फेविकॉल लगाना है। उसके बाद फिर से क्राफ्ट पेपर रखना है और ब्लैक लाइन के ऊपर फेविकॉल लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे स्केल की मदद से एक लाइन में लगा सकते हैं। मैंने सारे क्राफ्ट पेपर को फेविकोल लगा दिया है। अब मैं इन्हें सूखने के लिए रख दूंगी। तो आपको ऐसे 2 सेट्स बनाने हैं। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मिडल लेंगे 7.5 सेंटीमीटर एंड ऐसे रखेंगे। इसका भी मिडल लेंगे और यहाँ पे कंपास रखें। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमने इस डायरेक्शन में फेविकॉल लगाया है। तो इसी डायरेक्शन में हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे। इसे हम कट करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 सेट बनाकर रेडी कर दिए हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपकाएंगे। तो मैंने कंपास में फिर से 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और यहाँ पे दो हाफ सर्कल्स ड्रॉ करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने व्हाइट कार्डशीट पेपर के 2 शेप्स हाफ सर्कल कट करके लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ कार्डशीट पेपर चिपका दिया है और जो क्राफ्ट पेपर का
बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने इस तरह से शेप दिया है और उसको भी दोनों तरफ वाइट कार्डशीट पेपर शिफ्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड दोनों को हम ऐसे करके चिपका देंगे तो हम हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने थ्रेड डाला है होल बनाकर, एंड मैं इसको इस तरह से बना दूंगी। एंड यहाँ पे फेविकॉल लगाऊंगी।